गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. मैं डॉक्टर रुचि पांडे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री. मैंने आपको इससे पहले वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक बताई थी. तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की दो ट्रिक्स बताई थी कि आप इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को किसी भी मॉलिक्यूल्स का कोई फार्मूला दिया है, जैसे कि लाइक दैट NH3 वाटर, NH3 वाटर, PCl5, PCl3, HCF2 आधे मॉलिक्यूल्स दिए होंगे, तो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करोगे. ठीक, अब हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के बाद आपको ये बताया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं. SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2, SP3D3. ठीक है, आपको टोटल मिला के हाइब्रिडाइजेशन इस टाइप इतने प्रकार के होते हैं, ये आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका है. बट किसी भी मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है और कैसे निकाला जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. पहला हाइब्रिडाइजेशन SP हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, कई प्रकार के होते हैं आपको मैंने बताया, लेकिन उसमें सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, SP हाइब्रिडाइजेशन. फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द सेंटर एटम इज अ गिवन मॉलिक्यूल्स और आयन कैन बी अंडरगो द फॉलोइंग पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन. ठीक, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, उसमें SP हाइब्रिडाइजेशन. SP हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होगा, वेन S एंड P ऑर्बिटल ओरिएंटेड अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस, एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द वैलेंस शेल ऑफ द सेंटर एटम इन अ गिवन मॉलिक्यूल्स और आयन मिक्स अप टुगेदर टू गिव राइज न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल. The process is known as the sp hybridization and the new orbital form are called the sp hybrid orbital. क्या मतलब sp hybridization का मतलब हो गया, अगर मैं शॉर्ट में सिंपल वर्ड में बोलूं, sp hybridization का मतलब हो गया मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल, दैट इज s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल. कहने का मतलब है s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के मिक्स होने से जो न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं. और इस प्रोसेस को कौन सी हाइब्रिडेशन की प्रोसेस कहते हैं, sp हाइब्रिडेशन की प्रोसेस कहते हैं. अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक एस और एक पी ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूल्स आयन होते हैं मिक्स होकर गिव राइज टू हाइब्रिड ऑर्बिटल. एक एस और एक पी मिक्स होंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे. और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं, एसपी हाइब्रिडाइजेशन के नाम से जानते हैं. ठीक, जैसे कि आपको मैं तीसरी स्लाइड में एक्सप्लेन करती हूँ आपको, ये एसपी हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको ये स्लाइड आपको कैसे दिखाई देगी. The process can be shown diagrammatically as follow. क्या, this is the s orbital. ये आपका कौन सा orbital है, this is the s orbital. ये आपका कौन सा orbital है, s orbital. ये कौन सा orbital है आपका, p orbital. ये आपका p orbital है. ठीक है, एक s orbital एक p orbital दोनों mix करेंगे, वो यानी कि overlap करेंगे, और sp orbital overlap करके क्या बनाएंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे. ये ऑर्बिटल कौन सा हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. मिक्सिंग ऑफ वन s एंड वन p ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल मिक्स होगा, हमारा न्यू ऑर्बिटल जो बनेगा ये ऑर्बिटल, ये जो शेडेड पोर्शन है हमारा, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन हमारा क्या दिखाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो करेगा. ये पोर्शन हमारा क्या दिखाएगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को शो करेगा. ठीक, अब कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए वो देखा जाएगा. हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, उसमें sp हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, ये कौन कौन से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो होते हैं. हमारे sp हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन से फॉलो होते हैं, देखिए, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी शेप एंड द ओरिएंटेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन एट एनी एंगल 180 डिग्री फ्रॉम द ईच अदर लीडिंग टू लीनियर ज्योमेट्री. sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, sp हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं हो रही है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, इक्वल एनर्जी, यानी कि उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. इक्वलिटी एनर्जी, उनकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. और उनकी एनर्जी सेम होने के बाद जब वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, उनके बीच में मिक्सिंग होने के बाद उनके बीच में जो sp हाइब्रिडाइजेशन में स्पेशली कितने का एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, लीनियर दिखाई देती है. कैसे दिखाई देती है, लीनियर शो होती है. कैसे, देखिए हम एक इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम उसकी ज्योमेट्री को हम लीनियर कैसे कहेंगे. जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, BeX2 से मतलब हो गया, X का मतलब हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन कुछ भी आप ले सकते हैं. तो मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, जैसे कि BeCl2, हम कौन सा एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, BeCl2, हम BeCl2 को लेके चलते हैं और हम देखेंगे इसमें कौन सा टाइप का हाइड्रोजन है. इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास BE है, ये हमारे पास BE है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर बेरिलियम हो गया, एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 4 हो गया, 1s2 2s2 1s2 2s2.
आपको पहले भी बता चुके हैं वायनस ऑर्बिटर डू नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बिकॉज क्योंकि एस ऑर्बिटर के पास क्या होता है, 1s के पास 1p ऑर्बिटर नहीं होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बीई को हम क्या करेंगे, बीई को ग्राउंड स्टेट में शो करेंगे। ये है बीई, इन्हें ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट का मतलब होगा ओरिजिनल स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो 1s ये हो गया आपका 1s और ये हो गया आपका 2s। 1s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और 2s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपको मैं बोल चुकी हूँ कि 1s ऑर्बिटल में 1s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि 1s के पास हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल और s के पास 1s के पास p ऑर्बिटल नहीं होता है। तो हम 1s को नहीं भी शो करेंगे तो इवन चलेगा। ठीक, अब b को हम कैसे करेंगे, इन्हें एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ES का मतलब हो गया एक्साइटेड स्टेट में, अगर हम 1s को शो कर रहे हैं तो ये हमारा 1s है, ये दिस इज द 1s, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है क्योंकि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इट्स ओके, पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इसको एज इट इज रहने देंगे। और 2s के बाद हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल आता है, 2p, क्योंकि आपका हाइब्रिडाइजेशन का मकसद मेन पर्पस क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल विद द सेम एनर्जी और द इक्विवेलेंट एनर्जी। मैंने आपको क्या बोला था, सेम एनर्जी और द इक्विवेलेंट एनर्जी। तो 2s के बाद 2p ऑर्बिटल होता है तो हमने इसको वेकेंट बना दिया, इन्हें ग्राउंड स्टेट। 2s के बाद 2p ऑर्बिटल होता है तो हमने इसको ग्राउंड स्टेट में खाली वेकेंट बना दिया। ठीक, एंड इन एक्साइटेड स्टेट दिस इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। सो दिस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द हायर ऑर्बिटल, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा, मूव टू द हायर ऑर्बिटल। तो ये हो गया 1 और ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आया ये यहाँ आ गया। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, सिंगल है, इनके पास पेयरिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन है आपका सिंगल, उनकी बॉन्डिंग करके उनको शेयर करके उनकी बॉन्डिंग पूरा करना, उनको स्टेबल करना। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं कि हम पहले देख सकते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। हमारे पास इसका एक रूल भी था, है तो याद होगा आपको, BCl2 पहले वीडियो में बता चुकी थी मैं आपको, B+M-C+A वाला रूल। ठीक, हम उससे भी पहले रफली हम चेक कर सकते हैं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो 1/2 बी वाइकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी आपकी, 4, सॉरी वाइकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपकी कितनी होगी, 2, प्लस मोनोवैलेंसी, मोनोवैलेंसी का मतलब क्लोरीन कितने यहाँ पे 2 होगा, मोनोवैलेंसी का मतलब क्या होता है, तो हाइड्रोजन या हैलोजन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या मोनोवैलेंसी कितनी होगी, 2, और टोटल मिलाकर कितना होगा, 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा हो गया, sp, यानी कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। तो ये हमने श्योर कर लिया कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हमारा श्योर हो चुका है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp होगा। और हमने चेक करके भी देख लिया, देखिए कैसा आएगा, ये पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा जो पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इस पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने कहाँ ट्रांसफर किया, हाई एनर्जी सेल्स में, हाई एनर्जी सेल्स में ट्रांसफर किया। ये एक आपका क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गया, ये क्लोरीन यहाँ पर अटैच हो गया। और कितने ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऐसा ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के नाम से जाना जाए, यानी कि ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल है 1 लार्ज लोब एंड द 1 स्मॉल लोब, द लार्ज लोब टेक पार्ट इन द ओवरलैपिंग प्रोसेस। ओवरलैपिंग की प्रोसेस में क्या होता है, लार्ज लोब होता है, एक स्मॉल लोब होता है, और दोनों मिलकर क्या करते हैं, ओवरलैपिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल पजेस 50% कैरेक्टर ऑफ द एस ऑर्बिटल एंड 50% कैरेक्टर ऑफ द पी ऑर्बिटल एंड हैज द ओव्यूल शेप। जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो आपने देखा, जब स्ट्रक्चर बन रहा है तो आपने देखा कि ये इस वाले इसमें देखिए कि एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, दोनों बॉन्डिंग कर रहे हैं, और ये पोर्शन आपका क्या दिख रहा है, ये पोर्शन ओवरलैपिंग वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है। तो ओवरलैपिंग वाले पोर्शन में दोनों की ज्योमेट्री आप देख रहे हो लीनियर दिख रही है, दोनों की ज्योमेट्री क्या है आपकी, लीनियर है, ये बात यहीं पर कही जाती है। तो ये आपकी दोनों की ज्योमेट्री क्या है, लीनियर है। तो देखिए, दी हाइब्रिड पजेस 50% कैरेक्टर ऑफ द एस और 50% कैरेक्टर ऑफ द पी, इनकी ज्योमेट्री लीनियर होने के साथ एस और पी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, तो यानी कि 50% कैरेक्टर किसका होगा, एस का, और 50% कैरेक्टर किसका होगा, आपका पी का। हैंस दे आर ओव्यूल शेप, इस चीज कारण इनका शेप क्या हो जाता है, ओव्यूल हो जाता है, ओव्यूल शेप बनता है, यानी कि आपने शेप पहले ही देख लिया, जिसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या लेते हैं, BeCl2 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कहती आपको BeCl2 लीजिए, आप B के साथ फ्लोरीन भी ले सकते हैं, B के साथ हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। देखिए, ग्राउंड स्टेट आपकी यही रहेगी और इस ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर बाहर चले जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं, तो कोई भी हाइब्रिडाइजेशन को आप एक्सप्लेन करना चाहते हो
तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करेंगे तो आप V, आप ये वाला फॉर्मूला क्या V प्लस एम माइनस सी प्लस ए वन बाई टू वाले फॉर्मूले को आप क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो हमने पहले वन बाई टू फॉर्मूले से फॉलो करा, हमने देख लिया, पहले चेक कर लिया कि कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हमने उसको क्या करा, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसको ग्राउंड स्टेट में शो करा, ये ग्राउंड स्टेट में हमने शो करा। हमने 2p ऑर्बिटल क्यों बनाया था, आपको मैंने बताया 2p ऑर्बिटल बनाने के पीछे लॉजिक क्या है कि वी फाउंड आउट ऑलरेडी दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp। हम ये पहले से जान चुके हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp है, किसके बेसिस पर, इस फॉर्मूले के बेसिस पर। फिर दूसरी बात, आप ये रूल को हमेशा याद रखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता है मिक्सिंग ऑफ टू सेम एनर्जी ऑर्बिटल, तो 2s के पास 2p ऑर्बिटल होता है। हमने तो पहला एग्जांपल लिया, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में sp2 sp3 सो ऑन आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये sp और p, क्योंकि 2s के पास 2p ऑर्बिटल होता है, हमने इसको विकेट बना दिया, विकेट बनाने में कोई लॉस नहीं है। देन एक्साइटेड स्टेट में जैसे ही गए, हमने देखा कि दिस इलेक्ट्रॉन इज द पेयर्ड फॉर्म, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर टू द हाई एनर्जी सेल्स एंड हाई एनर्जी विद द सेम हाई एनर्जी होने के साथ साथ सेम एनर्जी सेल है। ये 2s है तो ये भी क्या है, 2p है। ठीक, तो दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे पास वेकेंट है, वेकेंट होने का मतलब पेयर नहीं है। पेयर करने के लिए हमने क्या करा, एक क्लोरीन ने इसके साथ बॉन्डिंग करी, एक क्लोरीन ने इसके साथ बॉन्डिंग करी। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस में एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल क्या होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है और हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस हमने आज क्या एक्सप्लेन करी, sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच मिक्सिंग ऑफ वन s ऑर्बिटल एंड वन p ऑर्बिटल बोथ आर मिक्स टुगेदर एंड प्रोड्यूस ए व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर किस तरह से दिखाई देता है, लीनियर, और हमारा लीनियर होने के साथ साथ यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है आप देख सकते हैं, ये लीनियर होने के साथ यहाँ पर हमारा बॉन्ड एंगल कितना हो रहा है 180, आप जानते हैं ये एंगल कितना होता है 180 होता है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमने एग्जांपल दिया आज BeCl2। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक जो चलेगा, नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।